माल करने वाले हैं ऑल इंडिया पीजीटी 2021 का पेपर। आइए स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन हैं, माइनस मार्किंग रहती है ऑल इंडिया पीजीटी में 1/4। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे और उसका आंसर देखेंगे तो ऐसी चीजें जो हम भूलते हैं उसको भी साथ में याद करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ टैक्स चतुर्वर्ग चिंतामणि। चतुर्वर्ग चिंतामणि के लेखक कौन है? और चूंकि ये जो मैं पढ़ाता हूं तो उसमें ये फंडे का क्वेश्चन है, तो ये गलत, जो फंडे का क्वेश्चन होता है वो गलत नहीं होता है, ऐसा मेरा कथन है। तो चतुर्वर्ग चिंतामणि जो है वो हेमाद्रि की रचना है, और हम याद कराते समय बताते हैं कि भारत जो है वो चारों तरफ से कवर है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भारत को, क्योंकि चार में से तीन जगह तो उसके समुद्र है, और चौथी स्थान पे क्या है, हेमाद्रि से याद करके रखना है। हेमाद्रि से क्या याद रखना है कि हिमालय है, हिमालय पर्वत सीधे थल आक्रमण से हमको बचाता है, तो हिमालय जो है वो चारों ओर से हमें कवर कर लेता है, दुश्मन सीधा हमसे हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाता है। तो चतुर्वर्ग चिंतामणि हिमाद्री की है, चारों ओर से हिमालय कवर करता है, ये फंडा है हमारा, तो ये क्वेश्चन का आंसर कभी गलत हम दे नहीं सकते। चक्रपाणि ने आरवी दीपिका लिखी है, निश्चलकर ने लिखी है रत्न प्रभा, और गंगाधर राय की है जलकल तरु। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो है हेमाद्री। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आचार्य सुश्रुत के हिसाब से है। सुश्रुत के अनुसार कौन सा महाभूत पित्त दोष को शांत करता है? ठीक है, तो एक कंसेप्ट है कि सम से सम की वृद्धि होती है। आप जानते हो कि समान चीजें हमारे शरीर में सम को बढ़ाती हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा दोष कौन से महाभूत से उत्पन्न हुआ है। जिस महाभूत से वो उत्पन्न होगा उससे वह उसका प्रकोप होगा। ठीक है, और तो देखते हैं वात किससे उत्पन्न होता है, पित्त किससे उत्पन्न होता है, और कफ किससे उत्पन्न होता है। क्वेश्चन पूछा गया है सुश्रुत के अनुसार, तो सुश्रुत के अनुसार ही मैं उसका आंसर दूंगा। सुश्रुत सूत्र अध्याय 41 में इसका वर्णन है, 11वां श्लोक है, लेकिन आगे भी इसको क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, बात जो है उसकी उत्पत्ति होती है वायु और आकाश, और वायु से सबसे पहले आकाश महाभूत बनता है, आपको मालूम है आकाश और वायु से वात बना हुआ है, ये सुश्रुत का ही कथन है कि आकाश वायु वात का प्रकोप करते हैं, और पित्त में केवल अग्नि आता है, वो आग्नेय होता है, पित्त अग्नि से बना हुआ है, और कफ जो है वो वारी और वसुंधरा यानी वारी और जल से, वसुधा और जल से बना है, यानी कि पृथ्वी और जल से बना हुआ है। तो पृथ्वी और जल महाभूत जो है वो कफ का प्रकोप करेंगे। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है शांति यानी समन कौन करेगा, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो जिन महाभूतों से कोई बनता है, पंच महाभूत जो है उसमें से अपन घटा देंगे ये वाले महाभूत, तो इनका समन आ जाएगा, माइनस कर देंगे पंच महाभूतों से प्रकोप कारण, तो इसका आंसर निकल आएगा। यानी कि जहां तक प्रश्न है कि बात का समन कौन करते हैं, तो आंसर होता है भू, संस्कृत ही बता देता हूँ, जैसे संस्कृत आती है तेज, और भू तेज और बारी, क्योंकि ये माइनस बचेंगे पंच महाभूत में से, पृथ्वी यानी भू तेज अग्नि और बारी यानी जल, तो भू तेज बारी जो है वो बात का समान करेंगे। पित्त का क्वेश्चन इसीलिए आया है क्योंकि पित्त में तीन महाभूत बचने, तीन की जगह चार महाभूत बचते हैं, लेकिन प्रकोप केवल तीन ही महाभूत करते हैं। पित्त में आता है लाइन जो आती है भूए भूए अम्बु वायु,
इससे पित्त शांत होता है, क्योंकि यहाँ पित्त में अग्नि बचा था, तो चार महाभूत बचने चाहिए थे, भूमि, जल और वायु, लेकिन आकाश इसमें नहीं आता है। और पृथ्वी और जल से बना है कफ, तो कफ का शमन करेंगे। इसके अतिरिक्त तो बाकी बचे तीन महाभूत जो होते हैं, खा यानी आकाश, तेज यानी अग्नि, और अनिल यानी वायु। खा तेजो अनिल, ऐसी लाइन संस्कृत में सुश्रुत में लिखी है। तो यहाँ पर आंसर है, पित्त को कौन शांत करता है? पित्त अग्नि से बनता है, उसके विपरीत भूमि, अंबु और वायु जो है वो पित्त का शमन करते हैं। तो अगर आपको प्रकोप कौन करते हैं वो याद रहता है, तो आप उसमें से माइनस कर देते हो पंच महाभूत से प्रकोप वाले, प्रकोप में से पंच कम महाभूत में से प्रकोप वाले जो है घटा देते हो, तो ये समन वाले महाभूत अपने आप निकल के आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे एग्जाम में किसी और का पूछा जा सकता है, इसलिए हमने ध्यान दे के इसको समझा। तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चरक मतानुसार सर्वबुद्धिहीनम निम्नलिखित में से किस मानसिक प्रकृति का लक्षण है? तो श्लोक है कि आलसम केवलम अभिनिविष्टम आहारे सर्वबुद्धिहीनम वनस्पति। जो वनस्पति होती हैं उनमें वो सर्व सभी प्रकार के बुद्धि से रहित होते हैं। चरक में मानस प्रकृति में बताया गया है, चरक शरीर अध्याय 4 में 39 श्लोक है, उसमें आप इसको देख सकते हो, नोट्स में भी है। ठीक है, पशु जो है वो निराकार ही होते हैं, और मत्स्य जो है आहार लुब्धा होती है, और प्रेत आत्मा दुखशील रहती है। तो ये लाइनें इसमें नहीं आई है, सर्वोद्यहीन जो है वो वनस्पति होता है। तो तीसरे का आंसर जो है वो तीसरा आंसर है, वनस्पति। फिर आते हैं चौथे में। चौथा क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेवल एज रीजन आर, मतलब एक कारण है और दूसरा उसको स्पष्टीकरण है। पहला बताया जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको अपन HCl कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। बिल्कुल सही है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन की उपस्थिति में होता है, जो कि पेप्सिनोजन के रूप में निकलता है, और HCl के संपर्क में आने पर वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिनोजन व्हेन सीक्रेट हैज नो डाइजेस्ट एक्टिविटी, पेप्सिनोजन जब निकलता है जब कोई डाइजेशन नहीं होता है, एस यू ऑन इज कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन मॉलिक्यूल स्प्लिट फ्रॉम पेप्सिन मॉड्यूल विच हैव लोअर मॉलिक्यूलर वेट इन पेप्सिनो देन पेप्सिनोजन एंड इट एंड दिस पेप्सिन एक्ट्स एज एक्टिव पेप्सिन, है ना। इसी की फिर उपस्थिति में HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। यह पूरी प्रक्रिया इसलिए होती है कि अपने शरीर भी प्रोटीन का है, मांस से बना हुआ है, हम नॉनवेज खाते हैं, उसका पाचन हो जाता है, तो उससे पहले म्यूकस निकल के पूरा डाइजेस्टिव जो अपना स्टमक है वो कवर हो जाए। ये दोनों कथन सही है, और ए आर का ए आर की पुष्टि भी करता है। इस टाइप में क्या आंसर होना चाहिए वो देखते हैं। इसमें आंसर होगा ए और आर, बोथ आर राइट, एंड आर जो है ए का सही एक्सप्रेशन करता है। तो एक प्रकार से पहला जो है इसका आंसर सही है। इस टाइप के क्वेश्चन 3 4 5 क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजीटी में जरूर आते हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट को मैच करना है, और फिर उसके हिसाब से करेक्ट आंसर हमको चुनना है। तो देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। प्रसन्न आनंद जो है, चरक में प्रकृति के लक्षण बताए गए हैं, चरक में 2 सच प्रकृतियां बताई गई हैं, वात पित्त कफ, और वात पित्त कफ के गुणों के आधार पर उनके लक्षण बताए गए हैं, उनसे हमें मैच करना है। तो प्रसन्न दर्शन आनंद, जैसे दिखने में जो अच्छा होता है उसके लिए शब्द आता है सुकुमार अवतार गात्रा, है ना, जो दिखने में अच्छा होता है। और इसके अलावा प्रसन्न दर्शन आनना भी आता है, तो ये प्रसन्न दर्शन आनना जो है वो कफ के गुण के कारण होता है, जो कि अच्छ, है ना। अच्छ वैसे पित्त में गुण होता है, लेकिन यहाँ पर कफ में बताया जाता है प्रकृति में, इसलिए ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है ना। रुक्ष रात्रि जागरण से क्या होता है? रुक्षता आती है, रुक्ष हमेशा जागरूक, हमेशा रुक्ष का रहेगा, ठीक है। और सुकुमार जो है, सुकुमार गुण जो है वो उष्णता के कारण होता है,
पित्त वाले में सुकुमार अवदात गात्रा लिखा रहता है, पित्त वाला जो है वो सुकुमार होता है। तो ये प्रकार से ये पित्त की क्वालिटी है, ये रूक्ष बात की क्वालिटी है, और ये अच्छे जो है वो कफ की क्वालिटी है, और इसके अलावा जो स्फुटित अंग है वह बिशद का होता है, वो भी बात की क्वालिटी है, यानी बात की क्वालिटी के कारण प्रकृति में गुण आते हैं। यानी कि ये कहा जाए श्लोक में आता है अच्छ द्वाद, अच्छ गुण के कारण क्या होता है, प्रसन्न दर्शन आनना, व्यक्ति दिखने में अच्छा लगता है। जो वैसद्ध है, वैसद्धतात उससे होता है स्फुटित अंग, स्फुटित अंग अवयव, और जो रोक्ष होता है, रुक्षता जो होती है, तो उसके कारण होता है जागरूक गुण होता है बात प्रकृति में, बूढ़े लोग जल्दी जागते रहते हैं। और औष्णता, उष्णता जो होती है उससे गर्मी में आपको अच्छा पसीना आता है तो स्किन ग्लो करती है, आपको मालूम है औष्णयात सुकुमार अवदात गात्रा पित्त का होता है, सुकुमार अवदात गात्रा। ये वर्णन जो है चरक में जो 10वीं परीक्षा बताई गई प्रगति परीक्षा वहां पर है पूरा टॉपिक, इसको अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। एग्जाम में कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से बन जाता है तो उसको डीपली फिर से पढ़ लेना चाहिए, बाकी गुण भी पूछे जा सकते हैं। तो 8वें अध्याय में आपको देखना है 96 है ना कफ का, 97 पित्त का, और 98 नंबर का श्लोक वात का, तो उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ जोड़े बनाते हैं, तो जोड़े बनाने में पहले का चौथा होना चाहिए, तो पहले का चौथा जो है इसमें पहले का चौथा एक में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये पहले का चौथा है ना, बी का तीसरा है, सी का पहला है, और डी का दूसरा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगले क्वेश्चन में फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है चरक संहिता के हिसाब से, और यहाँ पर बताया जा रहा है सोतो दुष्टि और उनके सोतस और उनके मूल के बारे में। ठीक है, तो एक कंसेप्ट जो हमेशा बोलता हूँ, हर धातु जो है अपने उत्तरोत्तर धातु यानी बाद में आने वाली धातु की पुष्टि करती, उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि करती, यानी कि जो अस्थि होगी अस्थि से क्या बनेगा, मज्जा बनेगी, यानी मज्जा के मूल में अस्थि आती है हमेशा, और जो मेद है मेद से क्या बनेगा, अस्थि है ना, अस्थि के मूल में हमेशा जो है मेद आएगा, मज्जा के मूल में हमेशा अस्थि आएगी। तो यहाँ देखो मांस व सोदस के मूल क्या होता है, स्नायु और त्वचा, ये अपन को मालूम ही है, बका बपा और बक वहन है ना, और मज्जा जो है वो मज्जा कैसे बने, मज्जा जो है वो अस्थि से बनेगी, तो अस्थि उसका मूल होती है मज्जा का, और मेद से अस्थि बनेगी, तो अस्थि व सोदस के मूल मेद और जघन प्रदेश होते हैं, सिंपल सी चीज है। चरक संहिता में जो विमान स्थान है वहां पर इस इन सोतस का वर्णन है 5वें चैप्टर में, वहां से पूछा गया है। तो इस प्रकार से पहले का होना चाहिए तीसरा, पहले का तीसरा होना चाहिए, पहले का तीसरा 2 में है, उसके बाद में दूसरे जो मेद का होना चाहिए दूसरा, तो पहले का तीसरा फिर दूसरा, ठीक है, अस्थि वाले का तीर का होना चाहिए कौन सा, चौथा, तो उसके बाद में आ जाएगा चौथा, और फिर डी का होना चाहिए पहला, तो ये दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। इसके आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन सुश्रुत से संबंधित है, इसमें कहा गया है कि सुश्रुत के अनुसार 2 कथन है, एक गर्भ के विकास के लिए 6वें महीने में बुद्धि का विकास होता है, तो 6वें में बुद्धि, ये अपने फंडे का क्वेश्चन है, फंडे क्वेश्चन अपन कहते हैं कि अभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि अपना फंडा है 6 सेंस है ना, 6 सेंस आती है ना, तो 6 सेंस यानी कि 6वें में बुद्धि होती है, ये बिल्कुल सही है। चरक संहिता के अनुसार गर्भ का बल वर्ण जो है का उपचय गर्भ के 6वें महीने में होता है, तो
जहां तक बल की बात होती है वो छठे महीने में होता है, ये अपने फंडे का क्वेश्चन है, क्योंकि अपना फंडा है कि षड्रस अभ्यास बल का नाम, सर षड्रस का जब हम अभ्यास करते हैं, सेवन करते हैं, तो उससे क्या होता है, बल का नाम यानी हमारे शरीर में बल की उत्पत्ति होती है। तो चूंकि ये एक फंडे का क्वेश्चन है, ये गलत नहीं हो सकता, ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इस प्रकार से सुश्रुतसारी में वर्णन भी है इसका, और चरक में चरकसारी में है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा बोथ इंस्टेट बोथ एंड जो है स्टेटमेंट वन एंड सेकंड जो है दोनों के दोनों सत्य हैं। अब आते हैं आठवें में, आठवां है अकॉर्डिंग टू सुश्रुतसंहिता विच मर्म इंजरी मैनिफेस्ट टू कुंठता, है ना, किस मर्म पे आघात होने से कुंठता होती है। तो आंसर तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ऐसे शब्द खज्जता पंगुता ये कई लोगों को नहीं मालूम होते हैं, तो पहले इनका वर्णन कर देते हैं। सुश्रुत शारीर का क्वेश्चन है मर्म अध्याय का, मर्म अध्याय छठवां अध्याय है सभी को मालूम है, उसमें श्लोक नंबर 24 में आप ये सारी चीजें बताई गई हैं। अगर हम अपने हाथ पैर में डिवीजन करते हैं, है ना, दोनों में डिवीजन करते हैं, तो पैर एक तरफ पैर रखते हैं, एक तरफ हाथ रखते हैं, ठीक है, तो पैर में जो ऊपर से चलते हैं तो हमारे लिंग के पास बेटब मर्म होती है, ठीक है, और नीचे आते हैं तो फिर घुटना आ जाएगा जिसको हम जानू कहते हैं, और उससे नीचे आ जाएं तो हमारा गुल्फ आ जाएगा जिसको हम एड़ी कहते हैं। तो ये पैर में होते हैं बेटब, जानू और गुल्फ। हाथ में हमारा जहाँ शोल्डर होता है वहां कक्षा होती है, तो वहां पर होता है कक्षधर, उसके नीचे आते हैं, कक्षधर के नीचे आते हैं तो होता है कर्पूर, जिसको एल जो है अपन एल्बो कहते हैं, और नीचे आते हैं तो कलाई यानी मणिबंध जो है रिस्ट जिसे कहते हैं वो मणिबंध होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मर्म होती है और फिर इन पे आघात होता है, तो क्या होता है वो हम समझते हैं। अगर बिटम मर्म पे आघात होता है तो सड्डता होती है, ठीक। जानु जो घुटना होता है उस पे आघात होता है तो व्यक्ति खज्जता आती, खज्ज है ना, खज्जता और पंगुता दो शब्द होते हैं, लूड़ा लंगड़ा जिसको अपन कहते हैं, तो ये खज्जता आती है, खज्जता जानु का होता है। और गुल्फ में हम जाते हैं तो गुल्फ में दो आते हैं, एक स्तब्ध पादता आती है और दूसरा आता है खज्जता, ठीक है, स्तब्धपादता और खज्जता, ये गुल्फ का होता है। हम यहाँ कक्षधर में बढ़ते हैं तो इस पे आघात होने से पक्षाघात होता है, कर्पूर में जब चोट लगती है तो उसको कुणी होता है, कुणी को मतलब होता है लूला, जैसे ये लंगड़ा है तो इसको हिंदी में लूला बोलते हैं, हाथ से काम नहीं करते तो उसको लूला कहते हैं, और ये लंगड़ा होता है खज्जता। मणिबंध में चोट लगती है तो होता है कुंठता, ये कुछ कुड़ी और कुंठता आपको समझाने के लिए और खज्जता समझाने के लिए मैंने पूरा चार्ट बताया आपको कि कहाँ पर क्या होगा तो परिणाम होगा। तो यहाँ पूछा गया कि कुंठता किससे होता है, तो कुंठता का आंसर है मणिबंध। अब हमको ये याद रह जाए लंबे समय तक, तो ये समझें कि मणि जो है, सांप के पास मणि होती है तो बहुत सारे लोग उसको चुराना चाहते हैं, तो उनके मन में क्या होती है, कुंठता, मन में कुंठता होती है ना, ये इसका मैं मन में कुंठा लेके बैठते हैं वो, है ना, सांप के प्रति, कि इसको सांप को मार के मणि चाहिए मुझे, तो उसके लिए क्या लेके बैठते हैं, वो कुंठा लेके बैठते हैं, जैसे अपन ने सीरियल में देखा है नागिन 1 2 3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ऐसा इसको एक बार एक्सप्लेन करके याद कर लोगे तो आगे जाके जब खज्जता का क्वेश्चन आएगा, कुड़ी का क्वेश्चन आएगा, पक्षाघात का क्वेश्चन आएगा, तो आपसे गलत नहीं होगा। तो आठवें के बाद अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 में। नौवां फिर मैचिंग है, जोड़ी बनाना है ना, दिनचर्या सुमेलित करना है और उसके फल जो है अष्टांग। तो देखिए ये क्योंकि एग्जाम जो है वो सिलेबस बेस होती है, सिलेबस में अष्टांग हृदय है और अष्टांग हृदय में दिनचर्या ऋतुचर्या का वर्णन बच्चे फर्स्ट पॉप में पढ़ लेते हैं, तो अष्टांग हृदय के हिसाब से दिनचर्या की पूछी गई है यहाँ पर। तो अष्टांग हृदय के हिसाब से दिनचर्या देखते हैं, अभ्यंग का गुण क्या है,
अभ्यंग करने से हमारी स्किन अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके अलावा और कोई आंसर इसमें बनता नहीं है स्किन का। तो अभ्यंग से हमारी स्किन अच्छी होती है। अभ्यंग जो है वो सुख तू सुख मतलब त्वचा को अच्छा करने वाला, आड़े करने वाला होता है। ठीक है, व्यायाम में आते हैं तो व्यायाम में जो है, जो कि ये क्वेश्चन बाघभट्ट का है, बाघभट्ट में अपन चरक में आता है दीप्त अग्नि दीप्त तो दोष छय, और बाघभट्ट में आता है दीप्त तो अग्नि मेद सा छय, है ना। बार बार मैं बोलता हूँ कि बुढ़ापे में इनके अंदर मेद हो रहा है, तो यहाँ पर इनका जो श्लोक होता है उसमें आता है लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेद सा छय। बाघभट वाले में मेद छाय रहता है और चरक वाले में दोष छाय रहता है। तो ये तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, फंडे का क्वेश्चन है ये। मेद सा छाय व्यायाम का है। उद्धर्तन का श्लोक है, एक तो कफ हर मेद सा प्रावल्यन स्थिर करण अंगा नाम त्वक प्रसाद करम परम। त्वक प्रसाद करम परम आता है उसमें, थोड़ा अलग आता है उद्धर्तन में। त्वक प्रसाद करम परम आता है, सूत्वक नहीं आता, त्वक प्रसाद कर परम। ठीक है, और स्नान से हमें बल मिलता है, स्नानम ऊर्जा बल प्रदम, ऊर्जा बल मिलता है स्नान से, स्नानम ऊर्जा बल प्रदम, और ये होता है सूत्वक्म। क्या इस जो है अभ्यंग जो है वो होता है सूतकम, ये अभ्यंग का है, ये स्नान का है, ये आपका उद्धर्तन का है, और ये जो है आपका व्यायाम का है। ये सभी के सभी है ना, ये सभी के सभी दिनचर्या मतलब जो दूसरी चैप्टर है अष्टांग का, उसमें बताए गए हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 2 में आप श्लोक नंबर देख सकते हो, 8वां, 10वां, 15, 16, उसमें आपको ये मिलता है। हिसाब से देखते हैं आंसर कौन सा सही होना चाहिए। तो पहले का चौथा केवल एक में ही है, तो इससे ही सही हो जाना है। पहले का चौथा, बी का पहला है ना, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो इसका आंसर जो है वो सेकेंड नंबर वाला है। फिर आते हैं 10वें में, तो 10वां है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन जो है कथन, एक जो है वो अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क है, उसकी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अभिकथन एक है, अष्टांग हृदय अनुसार ग्रीष्म ऋतु में मधुर लघु स्निग्ध हिम और द्रव्य आहार का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल सही है, अष्टांग हृदय में लिखा है ग्रीष्म ऋतु में ऐसे ही आहार किया जाता है। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है ये। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपने तीक्ष्ण किरणों से स्नेहांश का शोषण करता है, जिसके कारण श्लेष्मा का क्षय होता है, वात की वृद्धि होती है। ये भी बिल्कुल सही है, अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय 3 का 26वां है। तो ये इसके हिसाब से ए और आर दोनों सही है, और ए आर की पुष्टि करता है, ये ऑप्शन सही है पहला। फिर आते हैं 11वें क्वेश्चन में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और योग उत्तर का चयन करें अष्टांग हृदय के अनुसार। ठीक है, शोष रस धातु का क्षय का लक्षण है, रसे रोक्षियम श्रम शोषो गिलानी शब्द असूक्ष्मता। तो ये श्लोक है ना, शोष जो है रस का क्षय का कारण है, बिल्कुल सही है। शिरा शैथिल्य जो है वो रक्त वृद्धि का लक्षण है, तो ये गलत है, ये फंडे का क्वेश्चन है ना, क्योंकि रक्त वृद्धि का नहीं होता है, वह जो है रक्त का क्षय का होता है। क्षय मांस में धमनी शैथिल्य आता है और रक्त क्षय में शिरा शैथिल्य आता है। और संधि वेदना, ये अपने फंडे का क्वेश्चन है, तो ये संधि वेदना का मतलब मांस वेदना होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि मैं फंडे से आपको याद कराता हूँ, संधि वेदना जैसे कई लोग बताते हैं कि मुझे ज्वाइंट पेन हो रहा है, तो अपन बोलते हैं नहीं ये ज्वाइंट पेन नहीं है, मस्कुलर पेन है। तो संधि वेदना इज इक्वल टू मांस वेदना, अपना ये फंडा है, तो इस प्रकार से ये होना चाहिए मांस छय का, तो ये भी गलत हो गया। तिमिर दर्शाना, हृदय में चोट लगती है तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, एकदम सही है।
इस प्रकार से पहला जो है जिसमें बी और सी जो है इनकरेक्ट है वो सही है, बी सही इनकरेक्ट है वो सही है। यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो सही हो जाए। फिर आते हैं 12वें क्वेश्चन में, इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं भाव प्रकाश के अनुसार, और उसमें हमको बताना है कि कौन सा सही है। जीवक रिस्पक जो है उसका प्रतिनिधि द्रव विदारी कंद है, तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है, ये सही है। क्यों अपना वही याद करने का तरीका है, जब विदा होती है लड़की तो ये बोलते हैं जीती रहो, जीती जीती रहो, है ना। तो जीती रहो यानी जीवक रिस्पक का क्या होता है, विदारी कंद होती है, जब लड़की की विदा होती है तो आशीर्वाद दिया जाता है। और मेधा महामेधा का अपना फंडा है MMS, तो मेधा महामेधा का होता है शतावरी, यानी ये वाला तो सही है लेकिन ये गलत है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बट है ना सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर जो है उसका कौन सा बन जाएगा, तो फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड गलत है, तीसरा आंसर बनेगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में अपन को चूज करना है ऑप्शंस और उनके चार्ट के हिसाब से बताना है, ठीक है। तो कौन सा किस में आता है, तो भरत पंचमूल में आता है, अग्निमंत, अग्निमंत पाठला गंभारी सयोनक, ये जो है वो कै में आते हैं, भरत पंचमूल में आते हैं। और कंटक पंचमूल में आता है गोक्षुर करो हिंसक शेर की सवारी, तो सैरियक आता है कंटक में। बल्ली में आते हैं आपको बुरे सारे राजीव गांधी वाले, यानी बिदारी सारीवा रजनी अश्रंगी और जो है गुड़ची, तो ये भी फंडे का है, रजनी आती है। मध्यम में आते हैं अपने माँ और बाप, माँ बाप यानी कि मांस पर्णी मुदक पर्णी बला एरंड, बला एरंड और पुनर्नवा, है ना। तो ये आते हैं आपके मध्यम में। इस प्रकार से पहले का होना चाहिए आपका चौथा, ठीक है, पहले का चौथा होना चाहिए और बी का होना चाहिए तीसरा। तो पहले का चौथा बी का तीसरा, पहला ही आंसर जो है इसमें सही है, सी का पहला, ये आंसर जो है पहला आंसर सही है। फिर आते हैं चौदहवें क्वेश्चन में, विच आर द सिनोनिम ऑफ कुटच, कुटच के कौन कौन से पर्याय होते हैं। पर्याय हैं बत्सक, है ना, कलिंग, वीर वृक्ष और गिरिमल्लिका। कुटच को बसक कहते हैं, कलिंग कहते हैं, गिरिमल्लिका भी कहते हैं। वीर वृक्ष जो है वो ज्यादातर अर्जुन के लिए यूज होता है, अर्जुन को वीर वृक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर 14वें का आंसर जो है वो क्या बनेगा, सी, वीर वृक्ष नहीं होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से कुटच के पर्याय हैं, तो आंसर बनेगा ए बी और डी, है ना, ए बी और डी, सी नहीं है, मतलब ए पहला जो है वो सही हो जाएगा। विच इज दिस प्लांट, कौन सा पौधा है, तो सभी जानते हैं ये पौधा जो है वो अश्वगंधा का है, अश्वगंधा विंटर चेरी कहते हैं, क्योंकि देखो ये इसके जो फल होते हैं वो चेरी के जैसे होते हैं, तो विंटर चेरी कहते हैं इसको, अश्वगंधा को क्या बोलते हैं, विंटर चेरी, फल जो है चेरी के जैसे आते हैं। तो यहाँ पर आंसर है सी अश्वगंधा। फिर आते हैं 16वें क्वेश्चन में, 16वें क्वेश्चन में मैच करना है अपन को और पर्यायों से मैच करना है। तो सबसे पहले है स्टेरियोस्पर्मम सुक्विलेंस, है ना, पर लैटिन नेम पढ़ लेते हैं, स्टेरियोस्पर्मम सुक्विलेंस जो है वो पाटला होता है। फेरुला नार्थेक्स जो है वो हींग होती है, हिंगू। कॉम्बिफोरा मुकुल होता है आपका, गुगुल। और कुरकुमा लौंगा होती है आपकी, हरिद्रा, हल्दी को कहते हैं कुरकुमा लौंगा। तो पाटला जो होता है, ठीक है, इसमें हींग, सभी को मालूम है कि हींग के गुण के अंदर कौन सा गुण होता है, हींग जो है वो सहस्त्रभेदी होती है, गुगुल जो है वो पलंग का सा होता है,
और हरिद्रा जो है वो हट बिना जो है विलासिनी होती है, तो और पाटला जो है वो अति वल्लभा हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर बनेगा सेकंड जो है ऑप्शन सही है। इसके बाद में आते हैं इस सत्र में क्वेश्चन में, सातवां क्वेश्चन है, चरक के अनुसार इंद्रियाणि दृढ़ी करोति बलम वर्धयति अनुपातम अनुलोम्यति इज मेंशन फॉर विच फॉलोइंग रसा। तो पहले तो ये रस जो है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, चरक सूत्र स्थान में 26वां चैप्टर है, आत्रेय भटकापि अध्याय उसके 43वें श्लोक में ये सभी आते हैं। और एक चीज मैं आपको वहां पढ़ाता हूँ कि मधुर वाले में, मधुर में, अम्ल में, लवण में और कटु में कंपैरिजन करना हो, तो ये जो ती वाले रहते हैं, ती है ना, द्रेणी करोति वर्धयति है ना, बाता मालूम होती, ये कभी मधुर में नहीं लिखे रहते हैं, ना ही लवण में लिखे रहते हैं। तो इसमें दो में से ऑप्शन आंसर सही हो सकता है, एक तो या तो अम्ल सही है या कटु सही है। तो यहाँ अम्ल सही है क्योंकि बलम बल को बढ़ाने वाला अम्ल ही होता है। तो अगर आप फंडे से इसको हल करोगे तो 1 मिनट में सही कर लोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अम्ल 17 का आंसर है, बी अम्ल। फिर आते हैं 18वें क्वेश्चन में, 18वां क्वेश्चन है कि मैच करना है अपन को, ये हेमाद्री के अनुसार बताए गए हैं जो है पदार्थ विज्ञान में, हेमाद्री ने जो है लक्षण बताए हैं परादि गुणों के। तो विशद में विष आता है, तो विष का होता है छालन, विष के से क्या पड़ जाते हैं छाले। खर का होता है लेखन, तुम्हारी राइटिंग खराब है, खराब लेखन, ऐसा याद करते हैं। मंद का होता है समन, और संलक्षण में लक्षण आता है तो अपन कहते हैं रोने के लक्षण, ठीक है। तो विशद का छालन होता है ना, विशद विष से क्या पढ़ते हैं छाले। लक्षण क्या के लग रहा है तुम्हारे, रोने के लक्षण लग रहे हैं। खराब क्या है तुम्हारी राइटिंग लेखन, और मंद जो है उससे समान होता है। इस प्रकार से अगर अपन जोड़ते हैं तो पहले का होना चाहिए चौथा, पहले का चौथा एक में ही है, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है ये वाला ऑप्शन सही है, दूसरा नंबर। इसके बाद में आते हैं मैच करना है अपन को लिस्ट को है ना, 19वां, कौन किसका निर्यास होता है, सालमली का क्या होता है मोचरस, और सरल व्यक्ति से जो है वो श्री लगा के बात करता है, सरल व्यक्ति किसी से मिलता है तो वो हमेशा श्री लगा के बात करता है, तो सरल का है श्रीवेष्टक। और जो किसी भी चीज में कूद जाए और लकी हो रहे तो अपन कहते हैं साला लकी है, सल लकी, कुंदरू का निर्यास जो है सल लकी होता है और साल का होता है रोल। इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा, आंसर निकलेगा चौथा, पहले का चौथा, बी का तीसरा और है ना, सी का दूसरा और डी का पहला। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन में, 20वां क्वेश्चन फिर से जोड़े बनाने के रूप में है। तो कौन सा द्रव्य किस सूची में आता है भाव प्रकाश के हिसाब से, वो क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा किसका प्रतिनिधि द्रव्य है वो पूछा गया है, यानी इस सब्सटेंस क्या होगा, किसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं दाक्षा का प्रतिनिधि क्या होगा। तो दाक्षा जो है, और गंभारी जिसको कासमरे भी कहते हैं गंभारी को, ये स्वल्प त्रिफला जो मधुर त्रिफला होता है उसमें आते हैं, तो मधुर त्रिफला में दोनों आते हैं, तो अपन दोनों में से किसी एक का यूज प्रतिनिधि के रूप में कर सकते हैं। तो दाक्षा का क्या हो जाएगा आपका, गंभारी। फिर आते हैं रक्त चंदन का, रक्त चंदन, और ये आपका उसीर जो होता है वो सड़ंग पानी में आता है, तो दोनों एक ही जैसे प्रॉपर्टी के होते हैं, प्रॉपर्टी के आधार पे गुण बनते हैं, ग्रुप बनता है। तो इस प्रकार से रक्त चंदन का होना चाहिए उसीर, ठीक। फिर आपका अति विषा जो है वो बाल चतुभर चूर्ण जो होता है उसमें, अति विषा के अलावा पिपानक, पिपली, अति विषा, नागर मोथा यानी मुस्ता आता है ना, तो ये एक ही ग्रुप में होते हैं दोनों है ना, बाल चतुभर चूर्ण में। तो अति विषा का है मुस्ता, क्योंकि ग्रुप बनाया एक जैसे गुण वालों का ही ग्रुप बनता है, तो
आती विशाखा हो गया, मुस्ता, इतने से अपना सही हो जाएगा। पहले का अपन को गंभारी ढूंढना यानी चौथा, पहले का चौथा, बी का होगा पांचवा रक्त चंदन का उसीर, सी का जो है हो जाएगा पहला, और डी का हो जाएगा दूसरा। तो पहले ही ऑप्शन अपना सही है ना, और नांग पुष्प का हो जाएगा, दोनों पुष्प है तो नांग पुष्प का हो जाएगा, केसर का, पद्म केसर, नांग पुष्प केसर, केसर का हो जाएगा पद्म केसर, ये सही है। इसके बाद में आते हैं 21वें क्वेश्चन में, 21वां क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार स्थावर विष के किस अधिष्ठान के कारण हृदय पीड़ा मूर्छा और तालु दाह होते हैं। तो इसका फंडा अपना है HMT, HMT की घड़ी होती है, HMT, पीड़ा मूर्छा तालु दाह, इसकी क्या होती है, घड़ी आती थी पहले कंपनी की, और घड़ी किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है, तो ये किसका है, धातु विष का है, तो इसका आंसर क्या है तीसरा, है ना। ये सब चीजें सुश्रुत कल्प स्थान में वर्णित है, कल्प स्थान का दूसरा जो अध्याय है उसका 10वां श्लोक है, तो 21 का है डी सी मतलब धातु। फिर आते हैं 22वें में, 22वें कहा है कि सुश्रुत संहिता कल्प स्थान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य दूषी विषारी अगत का घटक नहीं होता है। तो दूषी विषारी अगत का वर्णन जो है वो सुश्रुत के कल्प स्थान के दूसरे चैप्टर में आता है, श्लोक नंबर है 51, याद कर लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है, तो इसमें घटक कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पिपली होता है और कृत्रण होता है ना, पिपली कृत्रण यानी पी के पिपली और कृत्रण, ये हो गया पी के, और पी के जटामांसी का हमने सावर ले लिया, पी के जटामांसी सावर, स्वर्ण गैरिक होता है तो अपन ने बोला स्वर्ग पधारी को बोला है, इसमें आता है ये परिवेलम, स्वर्ग पधारी, इसको ऐसा याद करेंगे स्वर्ग पधारी, स्वर्ग पधारी सासु, है ना, सूक्ष्मेला और सुवरचला इसमें होते हैं, है ना, सास को अगर है ना दूसरी विषारी अगर तो मिल जाता तो नहीं पहुंचती, तो ये फंडा याद रखना क्योंकि ये आएगा आगे पीछे क्वेश्चन इसके आएंगे। तो जटामांसी इसमें होता है, बिल्कुल सही है, एला इसमें होता है, सूक्ष्मेला, है ना, पिपली इसमें होती है, मुलेठी नहीं होती, तो 22 का आंसर सी हो जाएगा कि इसमें मुलेठी नहीं होती है। 23वां क्वेश्चन पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी वैसे मालूम नालो जोन, नालो जोन यानी ओपियम, ओपियम अपन जोन पीता है तो उसको मना करते हैं, तो नालो जोन जो है वो हम किसका होता है, अफीम का होता है, तो अफीम का ए होना है, ठीक है। और पैरासिटामोल ने सबका नाश कर रखा है, तो ये इसका पैरासिटामोल में सी आना है, इथेनॉल जो है उसका होता है इथिनील ग्लाइकोसाइड, तो यहाँ पर बी आना है, और एसिटिलीन का होता है तामा, ये इसका पेनिसिलिन का होता है तामा, तो यहाँ डी आना है, तो नालोजोन होगा अफीम का, पहले का होना चाहिए चौथा, सभी में चौथा दिया है, फिर दूसरा एथिलोन का होना चाहिए तीसरा, बी का तीसरा दो में दिया हुआ है, सी का होना चाहिए दूसरा, तो सी का होना चाहिए था कौन सा पहला, तो इसमें दिया हुआ है ना, सी का जो है उसमें दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये सी आंसर वाला जो है वो सही होगा, सी का पहला और डी का जो है दूसरा, ये वाला ऑप्शन सही है। 24वें क्वेश्चन में, जो 24वां क्वेश्चन है, वॉमिटिंग, डायरिया, टेटिनी एंड चोबस्टिक आर द सिस्टमेटिक फीचर ऑफ विच पॉइजन। तो चोबस्टिक साइन जो है वो आप सभी को मालूम है, ऑक्जिलिक एसिड की पॉइजनिंग में मिलता है, इसका आंसर है ए ऑक्जिलिक एसिड पॉइजनिंग। फिर आते हैं 25वां, 25वां है एज पर गजट नोटिफिकेशन 2016 में जो हुआ है, हरिद्राखंड जो है उसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, हरिद्रा कम, वैसे भी खंड चूर्ण में आते हैं तो वैसे 1 साल होता था, लेकिन सेल्फ लाइफ में बढ़ गई है, 2 हो गई, तो हरिद्रा 1 और खंड 2, ऐसा करके फंडा बना के हमेशा के लिए आज के बाद याद रख लो, हरिद्रा खंड की 2 वर्ष होती है। इसमें क्वेश्चन में रस रस समुच्चय
के अनुसार दूती आर प्रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल, रस समुच्चय के अनुसार दूती का प्रिजर्वेशन किसमें होता है, तेल तेल में, सूरजमुखी तेल में, कुसुम तेल में, जैतून तेल में। जैतून तेल तो ऑलिव ऑयल तो समय चलता ही नहीं था, तो ये तो ऑप्शन बन ही नहीं सकता है। तेल सूरजमुखी भी नहीं निकलता है संहिताओं में सब वर्णन, तो ये तो दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बचा तेल तेल और कुसुम तेल, इनमें से एक सही है और सही आंसर है आपका कुसुम तेल, है ना। ध्रुति ध्रुति होते हैं लिक्विड फॉर्म में जो होती है वो ध्रुति कहलाती है, और उनका संचय जो है संरक्षण काय में किया जाता है, कुसुम तेल में किया जाता है। तो इसका आंसर है सी, कुसुम तेल। फिर आते हैं 27वें क्वेश्चन, रस समुच्चय के अनुसार मल्ल मूसा का प्रयोग किस में किया जाता है। मल्ल पर्पटी अपना फंडा था, पक पोटली, मल्ल पर्पटी, पर्पटी स्वेदन इसका सही आंसर है। रस समुच्चय में इसका वर्णन है, रस रत्न समुच्चय में 10वें अध्याय का 23वां श्लोक है ये। पर्पटिया रसादी नाम शोधना है प्रकृतिता, तो इसका आंसर है पहला 27 का आंसर पहला। सत्व द्रावण के लिए तो गोस्तनी होता है। रस तरंगड़ी के अनुसार 12 वर्ष से अधिक के बच्चे में रस सिंदूर की मात्रा, रस सिंदूर की नॉर्मल मात्रा 1 से 2 जो है रत्ती होती है, क्योंकि रस सिंदूर में पारद गंधक ही होते हैं, तो इतनी 1/4 वगैरह इतनी कम नहीं होती है, 1 से 2 रत्ती होती है। 12 साल का बच्चा होगा तो कम वाली देंगे, तो इसका आंसर 1 रत्ती है ना। 1 रत्ती 125 मिलीग्राम होती है, अपन ज्यादा चर उतना ही देते हैं सबको। 1 रत्ती कितना होती है, 125 मिलीग्राम होती है, तो इतना ही लिखते हैं रस औषधि। फिर आते हैं ऑथर ऑफ रस रत्नाकर कौन है। तो रत्ना इसका फंडे का क्वेश्चन है, कर कि मैंने बोल दें कि हमेशा से नित्य यानी इंडियन टीम में कोई ना कोई कर, जैसे तेंदुलकर है ना, आगरकर, गावस्कर, ये हमेशा कोई ना कोई कर जो है, कोई ना कोई मांजरेकर वगैरह सब है ना खेलता रहा है, तो ये नित्य रूप से खेलते रहे हैं, नित्यनाथ का है ये फंडे का क्वेश्चन है, तो गलत हो ही नहीं सकता है। 29 का आंसर जो है ये है। फिर आओ भरतराज सुंदर के अनुसार बंग का उपचार है, बंग की विकृति का, तो वो स्वर्ण भस्म हरित की चूर्ण, मेघ सृंगी चूर्ण और शर्करा है ना, मुनि ब्रीही और सीता, और या फिर मुनि मिश्रित मधु मिश्रित जो है गोदुग्ध। तो इसका आंसर जो है सेकेंड है, मेघ सृंगी चूर्ण और शर्करा। श्लोक में आता है मेघ संगी सीता संयुक्ता जैसे वेद द्रथ देव देव त्रयम बंग दोष विमुक्ता रसो सुखम जीवति। तो ये श्लोक है ना, इसका आंसर जो है वो क्या है, मेघ संगी और चूर्ण और शर्करा। 31 में आते हैं, रस भस्म निर्माण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 31 का आंसर क्या है, बालू का यंत्र, स्थाली यंत्र, डमरू यंत्र, पुट यंत्र। 31वां जो है वो रस रस समुच्चय से पूछा गया है, रस रस समुच्चय का क्वेश्चन है, और अध्याय 9वें का 58 श्लोक है। इसका आंसर है डमरू यंत्र। डमरू वैसे ऊर्ध्वपातन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है रस रस समुच्चय में यंतम डमरू आख्य, डमरू का आख्य यम, डमरू आख्यम तद रस भस्म, रस भस्म करते हितम है ना, यह रस भस्म करते हितम यानी कि रस भस्म निर्माण में डमरू यंत्र का काम उपयोग किया जाता है। 31 का आंसर जो है वो डमरू यंत्र। फिर आते हैं 32 में, 32 में लिखा है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली स्वर्ण बंग बनाने के लिए पारद और जो है बंग की मात्रा कितना होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर है, पारद 1 भाग लिया जाता है, बंग इससे डबल लिया जाता है, तो बी आंसर इसमें सही है। फिर आते हैं 33वें क्वेश्चन में, रस रस समुच्चय के अनुसार गंधक दूती निर्माण के लिए प्रयुक्त कपड़े की लंबाई क्या होना चाहिए।
कपड़े की लंबाई जो है वो बताई गई है आरतनी प्रमाण में, तो इसका आंसर बी है, आरतनी प्रमाण। इसका वर्णन रस रस समुच्चय में है, चैप्टर है तीसरा, श्लोक है 28वां। चौंतीसवें में बढ़ते हैं, वाह, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रत्यक्ष अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक कारण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक कारण आठ होते हैं, तो उनमें कौन सा नहीं है? ठीक है, अति विकर्ष यानी दूर होने से हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं, अति पास होने से नहीं दिखाई देती हैं, मन नहीं लगा होने से नहीं बद दिखाई देती, स्वभाव उसमें नहीं आता है, तो यहाँ पर आंसर है स्वभाव। गिवन बिलो टू, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, श्लेष्मला बलवंतो वसुमंतो विद्याधा ओजस्वना शांता आयुष्मंता भवति, है ना, ये वाला जो श्लोक है वो चरक विमान में वर्णित है, जहां अभी प्रकृति की बात करी वहीं पर 8 में 96। बातस्तु रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विषाद, तो अभी अपन ने इनमें परुष विषाद का लक्षण पढ़ा हुआ था, उसमें ये उसी टॉपिक से है, चरक विमान अध्याय 8 का 98। वो इस प्रकार से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना, दोनों जो है सही हैं, बहुत हार है ना, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं, ये आंसर है इसमें का। आचार्य चरक के अनुसार व्याकरणिका च स्वप्न नाम दर्शना निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? कार्योनि का, कार्य का, कार्यफल का, करण का, ठीक है, क्या आंसर है? ये लाइन जो है वो चरक में बताई गई है, किसके बारे में? चरक विमान में जो कार्य होता है उसके बारे में, कार्य चिकित्सा कार्य होता है, अगर किसी व्यक्ति की चिकित्सा सही हो जाती है तो उसको उसके अंदर रोग शांत हो जाते हैं, है ना, तो रोगों के शांत होने के लक्षण बताए गए हैं, रोगों के शांत होने के लक्षण, ठीक है, कोई व्यक्ति बीमार था वो ठीक हो गया तो कैसे पता चलेगा? उस जमाने में एक उसमें ये लिखा गया था कि बुरे सपनों का ना देखना, लोग बोलते हैं ना सुबह उठ के यार मैंने बहुत बुरा सपना देखा, तो सपने बुरे नहीं आना, अच्छे सपने ठीक आने लगना, मतलब आदमी ठीक हो गया, बुरे सपनों का ना देखना, यह जो है लक्षण होता है स्वस्थ होने का, यानी कि उच्च चिकित्सा कार्य हो जाने का, यानी कि सेकेंड कार्य का ही उदाहरण में आता है, तो इसका आंसर है सेकेंड, 36 का है कार्य, देख सकते हैं कार्य का है। वैकारिणा च स्वप्ना नाम आदर्शनम, विकारिक यानी बुरे सपने नहीं देखना, ये मतलब है यहाँ पर। फिर आते हैं 37 में, 37 में कहा है कि एक पेशेंट है और उसमें मिर्जा व्यायाम वर्जना निदान सेवन प्रेजेंट विद द सिम्टम ऑफ सन्नति मूत किंचित किंचित प्रसादी थी, तो यहाँ पर देखो निदान सेवन के हिसाब से ये चरक के निदान का जो क्वेश्चन है, और ये श्लोक जो है सांदमेय का है ना, ये किसका यहाँ पर सांद, ये वाला श्लोक में आता है सांदमेय, यहाँ पर पूछी गई है सांदमेय से पीड़ित, ऑप्शन के हिसाब से साध्य होगा असाध्य होगा, तो सांद में जो है वो कफज में आता है, ठीक है, कफज में जो अभी होते हैं वो साध्य होते हैं, तो अब ढूंढते हैं क्या आंसर होना चाहिए, तो सांद प्रसाद में से पीड़ित है और इसे साध्य माना जाता है, ये तीसरा सही है ना, ये श्लोक सांद में का है और यह साध्य है, 37 का आंसर है तीसरा। 38 में आते हैं, 38 है डलहल के अनुसार स्वर वाय सोतस का अर्थ है ना, स्वर वाय सोतस का अर्थ है शब्द वायी धमनी इंद्रिय वायी धमनी भाग वायी सिना जीवा मूल नाड़ी, नया क्वेश्चन है, पर कभी भी सोतस में नाड़ी नहीं शब्द आता तो ये नहीं हो सकता, सिरा नहीं आता तो ये नहीं हो सकता, अब दो में से आंसर है धमनी,
शब्द वाही धमनी और इंद्रिय वाही धमनी। तो जैसे रस का होता है हृदय और रस वाही धमनिया, तो यहाँ पर धमनियों में ये वाला सही लगता है, तो ये ही सही आंसर है पहले का, है ना। 38 का पहला जो है वो सही है, शब्द वाही धमनिया उसका अर्थ होता है। फिर आते हैं 29वां क्वेश्चन है, चरक ने अश्माव्रत यथा शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा है। तो पुराने पेपर लगाने इसलिए बैठे हैं कि मैं तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जामनगर में कब से देखा है, 2007 से देखा है ना। कपच हृदय रोग का है, कपच हृदय रोग में ये लाइन आती है और ये चरक में वर्णित है, चरक सूत्र है ना 17वें अध्याय का 35 है। कपाल रोग हृदय रोग में आता है, हृदय कफज हृदय रोग सुप्तम, पहली लाइन भी आ जाती कभी कभी, सुप्तम स्थिमित स्थिमित भारिकम। फिर आता है तंद्रा रुचि विपरीतस्य भवत्यस्मावत्, तंद्रा रुचि विपरीतस्य भवत्यस्मावत्। तो ऐसा लगता है दिल पे पत्थर रखा हुआ है, मैंने दिल पे पत्थर रख के तुमसे ऐसा बोला था, ये डायलॉग अपन बोलते हैं, ये पत्थर रखा हुआ फील होना वो कफज हृदय रोग का होता है। ये क्वेश्चन पुराने पेपर लगाने के फायदे हैं। फिर आते हैं 40वें क्वेश्चन में, पाद जंघो रू मूला बुट्टी लोटनी किसको कहा है। तो ये नोट्स में कई बार अपन ने पढ़ा है, खल्ली का होता है ना, चरक में भी दिया हुआ है, माधव में भी है, चरक में भी है, चरक चिकित्सा अध्याय 28 का 57 श्लोक देखोगे तो उसमें भी है। फिर आते हैं संधि विश्लेषो गात्रणम सदनम दोष च्यवन किनीय रुंधु, दोषों का चलना लगना, जब भी आपका ट्रांसफर होता है तो आपके दुश्मन एक्टिव हो जाते हैं और क्रियाएं रुक जाती हैं, तो ट्रांसफर किसमें होता है, बी सेंसन में। तो 61 का है, 41 का है तीसरा, वो जो 20 रन सुश्रुत में इसका वर्णन है, सुश्रुत सूत्र अध्याय 15 में 29वां श्लोक है। ओज के 3 विकृतियां होती है, बिंसत व्यापक तो चाहे बिंसत का है। फिर आओ कथन एक को अभिकथन है ना, दूसरा एक अभिकथन है और आर जो है उसका तर्क है। COVID-19 के प्रयोगशालीन परीक्षणों का आकलन करते समय सीटी वैल्यू RT-PCR में मोर देन 35 का आकलन नेगेटिव या माइल्ड होता है। तर्क यह कि RT-PCR के संदर्भ में किसी विशिष्ट जीन की सीटी वैल्यू जितनी कम होगी व्याधि उतनी तीव्र होगी, यानी CTR वैल्यू कम आना यानी आप ज्यादा इन्फेक्टेड हो, इसके विपरीत क्रम से पता लग जाता है ना। तो ये सही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसी आधार पर तो टेस्टिंग होती है, तो बिल्कुल सही है, इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो निकलना चाहिए, बहुत है ना, बहुत ए आर जो है करेक्ट है, दोनों सही है और सही व्याख्या है। फिर आते हैं 43वें क्वेश्चन में, 43वां क्वेश्चन है ना, पित्यक ज्वर का है माधव निदान के हिसाब से। तो अपना ये फंडा है इसका कि SP त्रिक, ये SP त्रिक टीकमगढ़ का हूं, तो मैं SP टीकमगढ़ बोलता था, SP त्रिक कर रही है। एस जो है जो शिरोग्र क्रमशः द्वंद्वज का होता है, शिरोग्राही जो है वो द्वंद्वज में वातितज होता है, पृष्ठग्राही जो है क्रमशः द्वंद्वज करके याद करते हैं, ये जो है वात कफज होता है, और त्रिक जो है वो क्या होता है, कफ पित्तज होता है। तो शिरोग्राही जो है वो वात पित्तज हो जाएगा और बात का पच हो जाएगा पृष्ठ वाला और अपित्तज हो जाएगा तिरिक वाला, तो ये श्लेष में चला जाएगा जंगा में। कहाँ इसका वर्णन मिल जाएगा, तो चरक में भी मिल जाएगा आपको, चरक चिकित्सा जो है मैं आप देखेंगे तो वहां पर भी इसका वर्णन आपको मिल जाएगा।
तीसरा अध्याय है जोर वाला, उसमें 71-72 श्लोक देखोगे तो मिल जाएगा, है ना। तो मैच करने के हिसाब से यहाँ पर पहले का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का तीसरा, ये आंसर सही है। फिर आओ माधव निदान के अनुसार, दिवा स्वप्न आसन स्थान और ऊर्ध्व निरीक्षण। ऊपर देखोगे तो कभी कभी गर्दन ऐंठ जाती है, तो फंडे का क्वेश्चन है। उच्चैः भास्य वो अर्धित में आता है और ये ऊर्ध्व निरीक्षण जो है वो मन्यस्तम में आता है। ये तो फंडे का क्वेश्चन है, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते हो। इसका आंसर तीसरा है, ऊर्ध्व निरीक्षण ही उच्चैः भास्य। दो जो है अपने नोट्स में भी लिखा है हमेशा। फिर आते हैं 45 क्वेश्चन में। एक महिला पेशेंट है जो अपनी रिपोर्ट लेके आती है कि उसका हीमोग्लोबिन काउंट कम है, एचपी कम है, रेटिकुलोसाइट जो है 0.8% है, पेरिफेरल सीमर में माइक्रोलाइटिक एनीमिया के चिन्ह मिले हैं, HbA2 2.4, HbF जो है लेवल 1.3 और सीरम आयरन जो है वो 15 है ना, 15 mg/dL है, यानी 100 ग्राम में डीएल पर 100 ml में देखते हैं, तो उसको क्या होना चाहिए। ऑप्शन है पहला एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जीर्ण शोथ जन पांडु, तो जिसका नाम जीर्ण शोथ है तो एनीमिया तो मिला ही नहीं कहीं रिपोर्ट में, तो ये नहीं हो सकता है। बीटा थैलेमिसिया माइनर, ये तो आपका वो क्या बोलते हैं, जन्मजात कंजेनाइटल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल कंजेनाइटल डिसीज में आता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है। अब बचा लोहजन अल्पताजन पांडु और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है उसमें चूंकि आरबीसी, तो मतलब आरबीसी में एब्जॉर्ब उसमें दिक्कत आती है, लेकिन आयरन तो उसमें नॉर्मल या हाई होता है, हार्मोन हाई होता है इसमें सिड्रोब्लास्टिक में, जबकि आयरन तो 18 मिलीग्राम तो से वैल्यू होती है, तो ये तो थोड़ा कम ही है सामान्य की तुलना में, तो ये भी नहीं हो सकता, आयरन इसमें ज्यादा होता है, तो एक ही सही होगा फिर, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में एक ही सही होगा। फिर आते हैं 46वें में, अकॉर्डिंग टू काश्यप कल यूज जो है वो काय में बताया गया है, हृदय रोग में, अर्श में, अतिसार में है ना, और पुष्ट में। तो बच्चों में ज्यादा तो कौन सी डिसीज होती है, दस्त वगैरह लगते हैं उन्हीं में देते हैं यूज वगैरह, तो ये इसका आंसर जो है अतिसार है। फिर आते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गंडूस नित्य प्रयोग करने के लिए कहा है, तो नित्य प्रयोग करने के लिए तिल तेल का गंडूस बताया गया है ना, नित्य नित्य तेल मांस, रसो अथवा तिल का या मांस रस का गंडूस करने के लिए जो है वो अष्टांग हृदय ने बताया है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 22/6 मास। फिर आओ एच पर चरक उन्मंत के बारे में, चरक का कथन क्या है, जो उन्मंत के बारे में हमारे क्या पांडे हैं पहले समझे, उन्मंत जो है उद्मंत जो होता है वो, उसके बारे में क्या जानते हैं आप। तो पहली चीज तो ये सत्तू है, सत्तू जो है दो चीजें होती हैं सत्तू के बारे में, एक तो गर्मी में खाते हैं अपन है ना, और दूसरा फास्ट फूड है, उस जमाने में गर्मी में चूल्हा नहीं जलाने की जरूरत है, आपको पैकेट रेडी करो, इसलिए उसका यूज होता था। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, वर्षा ऋतु में सेवन नहीं करना चाहिए, बस वर्षा में सेवन करना चाहिए, ग्रीष्म में सेवन नहीं करना चाहिए है ना, ग्रीष्म में सेवन करना चाहिए होता है, तो ग्रीष्म में सेवन नहीं करते लेकिन वर्षा में अपत हो जाता है आगे चल के, तो यहाँ पर आंसर जो है वो यहाँ पर आएगा, वर्षा ऋतु में सेवन नहीं करना चाहिए। चरक का है, चरक सूत्र छठवां यानी ऋतुचर्या वाले चैप्टर का 35वां श्लोक। फिर आते हैं स्वाधीर्यम श्रम साधो हृदय व्यथा है ना, बाधिर तृष्णा के कारण होता है, एमपीपीएससी में भी आया था ये, एमपीपीएससी 2015 में भी आया था ये,
बांधेर जो है वो पिपासा के बेक रोकने से होता है, और ये हृदय व्यथा जब तो पानी की बोतल अपन को मिल नहीं जाती तो हृदय व्यथा रहती है ट्रेन में, ये अपने फंडे का क्वेश्चन है, तो ये तो कभी गलत हो नहीं सकता है ना। कहाँ इनका वर्णन है, तो धारणीय धारणी वाला भी एक जो सातवां चैप्टर है उसमें श्लोक नंबर 21 में है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, चरक में अपार मान टंडुली अध्याय के अनुसार कौन सा द्रव्य दीपनी और शूलहग्न है। तो शूल प्रसमन तो होता है पंचमोल, ये अपने फंडे का क्वेश्चन है ना। पंचमोल के सादे दे बाबू होता है पिपली पिपली मूल चप चित्रा नागरी, तो पंचकोल होता है पिपली पिपली चप चित्रा नागरी होता है, मरिच नहीं होता है, तो ये आंसर है ना, मरिच इसमें नहीं होता है। चरक में जो ये बाबू हैं वो तो अपन पूरी 28 के 28 याद करते हैं, इनमें तो कोई गलत हो ही नहीं सकता है, 18वां श्लोक है। फिर आते हैं 51 में, 51 है दो कथन दिए हैं, बताएं उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एस्बेस्टोस व्याधि में थूक में एस्बेस्टोस बॉडी दिखती है, एस्बेस्टोस व्याधि में छाती का एक्सरे के निचले हिस्सों में दो टू थर्ड भाग में सिनोस्टोम होता है, सिनोस्टोम होता है, सिनोस्टोम इसमें नहीं होता है, सिनोस्टोम सिलिकोसिस में होता है ना, सिलिकोसिस में देखने को मिलता है, तो ये कथन सही नहीं है, ये वाला सही है लेकिन ये रॉन्ग है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या बनेगा, ए इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, थर्ड आंसर इसका बनेगा। फिर आते हैं 52वें क्वेश्चन में, 52वां क्वेश्चन है विटामिन ए के बचाव के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण की सूची के अनुसार रेटिनॉल, रेटिनॉल जो जो है मतलब रेटिनॉल यानी विटामिन पालमिटेट यानी विटामिन ए हो गया है ना, उसकी कितनी मात्रा दी जाती है। तो 9वें महीने में 1 लाख यूनिट दी जाती है, सही है। उसके बाद में 2 लाख यूनिट नहीं, 2 लाख तो 16वें महीने में दी जाती, 16वें महीने में 1 लाख वो भी गलत हो गया, 9 महीने में 2 लाख वो भी गलत है, कुल मिला के पहला ही सही है ओरली वाला, तो 52 का आंसर जो है वो पहला है। फिर आओ एच पर बागवट आहार परिणाम कर भाव और उनके फंक्शन बताइए। ऊष्मा पचती बिल्कुल सही है, ऊष्मा अग्निहोत्री पाचन करती, वायु अपकर्षति अन्न को नीचे ले जाती है भी सही है, स्नेह मार्दव जनयति ये भी सही है, स्नेहन करने से मधुरता आती है, क्लेश शिथिलता ये भी सही है, काला धातु साम्यकर्म नहीं ये गलत है, काल धातु साम्यकर्म नहीं होता है, धातु साम्यकर्म जो है वो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, काल तो जो है वो क्या होता है पर्याप्त अभिनिर्वृत्ति, पर्याप्त टाइम मिलना चाहिए, तो इस प्रकार से है ना। चरक भागवत के अलावा चरक में भी आता है ये सारे स्थान में, तो कौन सा सही होगा, ए बी डी, हाँ ए बी सी डी है ना, ई गलत है, ए बी सी डी सही है। फिर है ना, तो ये वाला सही है, निर्वर्त्य थी ये लाइन आती। फिर आए 54 में, 54 है दिए गए दो कथनों को पढ़िए और उसके आधार पे एक वो अभिकथन है और दूसरा जो है तर्क है ना। आचार चरक के अनुसार स्थूल व्यक्ति में कच्छ व्याप्ता होती है, बिल्कुल सही है, जो अति स्थूल होता है मैथुन के आयु को बताओ, मैथुन नहीं प्रॉब्लम आती उसको, ये बिल्कुल सही है। चरक में जो कौन सा चैप्टर है, अष्टोनिंदति अध्याय 21, उसमें ये वर्णन मिलता है। तर्क जो है ये अति स्थूल में वात प्रति अग्नि जो है तीक्ष्ण रहती है, ये वाला इस चीज को तीक्ष्ण नहीं रहेगी उसमें तो मंद होती है ना, अग्नि संक्षुण हो जाती है, ये भी चरक में लिखा है, तो यहाँ पर आंसर ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन आर जो है वो एक सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, है ना, बाद वृद्धि हो जाएगा तो उसमें कच्छ व्याधा का क्या मतलब लेना देना है, तो यहाँ पर आंसर ये वाला सही है सेकंड।
आते हैं 55 में, निम्नलिखित में किस प्रकार की योनि व्यापत में दुष्पिषु होता है, तो दुष्पिषुता जो है प्रशंसनीय योनि व्यापत होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, दुष्पिषुता प्रशंसनीय। तो 55 का आंसर जो है वो चौथा है। 56 में आते हैं, आचार तक तेल की उत्तर बस्ती का प्रयोग कौन से उसमें किया जाता है, तो सिद्धार्थ तक तेल की उत्तर बस्ती, एक कल उड़ीसा पीएससी का क्वेश्चन लगाया था, वहां पर सूरामंड की आस्थापन बस्ती थी, ये दोनों ही अपरापातन में दी जाती है। सुसुसारी का प्रकरण है, 10वां चैप्टर है उसका, श्लोक नंबर 23 अपन देखते हैं, तो अपरापातन में आता है, एक तो सूरामंड की जो है उसमें क्या दी जाती है, आस्थापन आस्थापन बस्ती दी जाती है अपरापातन के लिए, और सिद्धार्थक तेल की जो है क्या दी जाती है, उत्तर बस्ती दी जाती है। ये क्वेश्चन याद रखने हैं, बहुत पूछे जाते हैं, दोनों अपरापातन के हैं। 56 का और ठीक, इसके आते हैं बाद आते हैं 57 में, तो 57 है, भेल के अनुसार गर्भिणी के लिए क्षीर एवागू का प्रयोग कौन से महीने में किया जाता है, तो वैसे छठवें महीने में होता रहता है, लेकिन भेल ने जल्दी किया है, भेल का आंसर 5वां है, 5वें महीने में कंपैरिजन में। अब हमें दूसरे आचार्यों का भी याद रखना चाहिए। फिर आते हैं 58 में, काश्यप के अनुसार गर्भिणी के किस मास में कार्स होता है, तो चूंकि कार्स कब होता है, जब बालक के मांस और रक्त में वृद्धि होती है, तो गर्भिणी में कार्स आता है, एनीमिया होने के चांसेस 5वें महीने में रहता है, तो ये रक्त ही एकमात्र पंचमांस धातु है, वो बढ़ती है 5वें महीने में बच्चे में, तो गर्भिणी में कम हो जाती है, अपना फंडा है, 5वें महीने में रक्त की वृद्धि बच्चे में होती है, गर्भ में बढ़ता है लेकिन गर्भिणी में कम हो जाता है, इसलिए जो है बच्चे में बढ़ता है, गर्भिणी में कम हो जाता है, इसलिए गर्भिणी में कार्स हो जाता है। 58 का आंसर ये है। 59 में आते हैं, आचार्य संहिता अनुसार अर्ध चंद्र जो है शस्त्र है उसका प्रयोग किसके निष्कर्षण से होता है, तो ये जो है वो हंसिया कहते हैं, अर्धचंद्राकार जो मरे हुए गर्भ के हाथ ने उसको काटने के लिए होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, नोट्स में भी है, मरे हुए गर्भ में यूज होता है। 60 क्वेश्चन में, 60 क्वेश्चन है, हारित के अनुसार पंचकोल एवागू निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूढ़ गर्भ की चिकित्सा में निर्दिष्ट है, तो हारित के अनुसार पूछ रहे हैं, पंचकोल ज्यादातर जो है वो शूल का दूर करता है, तो बात में काम में आ जाता है, शूल दूर करता है, क्योंकि अभी पंचकोल एवागू अपन ने देखा वो शूल लग्न होता है, तो बातज में आता है ये, इसका आंसर क्या है, बातज मूल गर्भ की चिकित्सा में काम में आता अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।